हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है वजन घटाने के लिए सुबह की 6 आदतें। तो गाइस, अगर आप ये 6 आदतें अपनाते हैं अपने लाइफस्टाइल में, तो आप अगर आपका वजन 2 महीने में घटना चाहिए तो आपका वजन 1 महीने में आसानी से और हेल्दी वे में घट जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो 6 आदतें जिनको आप अपना के अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियोस में अपने बताती हूँ वेट लूज़ की, जितनी भी मैंने अपने अब तक वीडियोस अपलोड की हैं, तो मैंने उनमें सभी में ये बताया कि आपको अपना पानी का इनटेक सबसे ज़्यादा रखना है। तो फर्स्ट आदत हमारी यही है, आपको सबसे पहले अपनी जो आपका टाइम टेबल है उठने का, उसको चेंज करना होगा। आपको सुबह जल्दी उठना होगा। अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो आपको नियम बनाना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। उठ के फिर आपको सुबह जल्दी उठ के करना क्या है, सबसे पहले आपका जो काम होगा, सबसे पहले आप किचन में जाएंगे। किचन में जाके आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी करना है और आराम से तसल्ली से आपको इसको सिप सिप करके पीना है। ऐसे नहीं कि बस जल्दबाजी में उठे बस ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी कर लिया, तो नहीं। अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है, आपको मैनेज करना अपना वेट, तो ये वाला नियम तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पानी ये नहीं है आपका वेट लूज़ करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, आपको हेल्दी बनाएगा। तो पानी गुनगुना ही पीना चाहिए और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए। ये एक नियम है पानी पीने का। अगर कोई पतला है, जो भी कुछ है, तो उसको पानी ऐसे ही पीना चाहिए, तो तभी हम हाँ पानी का बेनिफिट मिलेगा हमें। तो सेकंड है लेमन हनी वाटर। गाइस, आपने सुना ही होगा कि जब भी हम वेट लूज़ करने की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है नींबू और शहद का। तो गाइस, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने भी इस ट्रिक को अपनाया है और इस ट्रिक को मैं अभी तक भी फॉलो करती हूँ। तो ये ड्रिंक बहुत ही इजी है बनाने में और पीने में भी बहुत मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट बिल्कुल ही गंदा है, टेस्ट भी अच्छा खासा है, तो आप इसको इजीली पी सकते हो। तो आपको क्या करना है, 1 ग्लास आपको हल्का गुनगुना पानी रखना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं वो आपको पीना, हल्का गुनगुना आपको पानी रखना है। उसमें आपको एक चम्मच बड़ी चम्मच मतलब जो मीडियम साइज़ की चम्मच होती है, उसको आपने 1 चम्मच हनी का लेना है और अच्छे से पानी में मिक्स करना है। उसके बाद आपको आधा नींबू को आपको अच्छे से निचोड़ के उसको मिक्स कर लेना है और आराम से सिप सिप करके पीना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस ड्रिंक को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपका वेट लूज़ होगा ही होगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। आप एक बार इस ड्रिंक को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपका वेट लूज़ हो गया रहेगा, ये मैं बोल रही हूँ आपको। जो लेमन हनी वाटर होता है वो आपके जो वेट जो आपके शरीर में चर्बी होती है उसको बढ़ने नहीं देता और आपका वेट वहीं का वहीं रह जाता है। और कम जितना भी आप कैलोरीज का इंटेक करते हैं तो उसको आपको मतलब इस चर्बी को कम कर देता है। तो लेमन हनी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो इस ड्रिंक को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। तो सेकेंड टिप तो ये थी और थर्ड टिप देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस, जैसा कि आप अपने को सभी को पता है कि धूप जो सुबह सुबह की धूप होती है वो कितनी अच्छी होती है, तो वो देखने में अच्छी नहीं होती, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप सुबह सुबह की धूप में आधा घंटा भी बैठ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी के लिए ही नहीं, आपके माइंड के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन डी होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें आधा घंटा डेली आपको उसमें बैठना है अच्छे से। अगर आपको वैसे बैठना बोरिंग लगता है तो आप घर कुछ घर के काम काज के लिए भी बैठ सकते हैं, जैसे आपने कुछ सब्ज़ी काटनी है तो आप वहाँ पर बैठ के सब्ज़ी काट सकते हैं, कपड़ों की तैयारी लगानी है वो कर सकते हैं, जिनको काम करना अच्छा नहीं लगता वो मेडिटेशन कर सकते हैं आराम से बैठ के। तो बहुत इससे आपका माइंड रिलीज़ होगा, बहुत अच्छे मतलब कि आपका सारा दिन बहुत अच्छे से जाएगा, आप सारा दिन अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे और आप सारा दिन एक्टिव रहोगे। तो ये ट्रिक आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, आप 1 वीक ही करके देखिए लीजिए, आपको फ़र्क अपने आप दिखाई देगा आपके शरीर में। अगर आप ठीक रहते हो, आप काम करते हो, तो आपका सारा दिन अच्छा चला जाता है। तो ज़रूरी
आपका नेक्स्ट स्टेप है आपका ब्रेकफास्ट। मैं अपनी हर वीडियोज़ में ब्रेकफास्ट का जिक्र करती हूँ। आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेट लॉस के लिए। आप चाहे कितनी भी बिजी हो बट आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है तभी आपका वेट लूज़ होगा। अगर आप सुबह का नाश्ता अच्छे से कर लेते हैं तो आप सारा दिन एक्टिव रहते हो, फ्रेश रहते हो, आपका काम में करने में मन लगा रहता है। अगर आप सुबह का नाश्ता ही स्किप कर दोगे तो आपका सारा दिन ऐसे ही चला जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपका किसी कोई भी काम करने का आपका मन नहीं करेगा। अगर आप काम नहीं करोगे, ऐसे ही आलसियों की तरह पड़े रहोगे तो ओवियस है आपका मोटापा बढ़ता ही जाएगा, शरीर पर चर्बी चढ़ती ही जाएगी। तो कोशिश कीजिए जितना अपने आप को एक्टिव रख सको तो उतना आपके लिए ठीक रहेगा। आप घूमना फिरना जिम मतलब कि जो भी कर सकते हो अच्छे से, जब तक आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो आप तक तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा और हेल्दी होना चाहिए। जो आपका प्रोटीन है, जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका ब्रेकफास्ट अच्छा माना जाएगा। ब्रेकफास्ट में काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं जैसे कि दलिया, ओट्स, सैंडविच, ब्राउन ब्रेड के सैंडविच और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जिनको फॉलो करके आप अपना डाइट को मैनेज कर सकते हो, अपने वेट को लूज़ कर सकते हो और हेल्दी और टेस्टी खाना खा के भी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो। तो गाइस इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप सारा दिन में कुछ भी काम करते हो तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकाला कीजिए। लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप है आपकी कैलरीज। आप दिन भर में क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, ये होती है आपकी कैलरीज। आपने ब्रेकफास्ट में कितना खाया, लंच में कितना खाया और डिनर में कितना खाया। अगर आपकी कैलरीज आपके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग मेज़र होती है, जितना आपकी हाइट होती है, का गूगल पे, प्ले स्टोर पे काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जहाँ से आप डाउनलोड करके ऐप्स अपनी वेट और हाइट डाल के अपना कैलरीज को मतलब कि मेज़र कर सकते हो कि आपको दिन में कितनी कैलरीज इनटेक करनी है। तो गाइस मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी, जब मैंने अपना वेट लूज़ किया था तो मैंने एक डायरी लगाई थी, उस डायरी में मैं अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ लिखा करती थी, क्या मैंने ब्रेकफास्ट में खाया, ब्रेकफास्ट में मेरी कितनी कैलरीज होनी चाहिए। तो गाइस अगर आपको कैलरीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो कैलरीज के लिए ही बनाऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैलरीज का इंटेक कैसे करना है, ब्रेकफास्ट में आपने कितनी कैलरीज लेनी है, लंच में कितनी लेनी है और डिनर में कितनी लेनी है। इसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा जल्दी अपना वेट लूज़ कर सकते हो अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।